हेलो दोस्तों, के साथ सभी लोग। तो आज के समय इस वीडियो में हम करने वाले हैं थोड़ी सी फूड। जैसे कि मेरे फूड की बहुत कमी है और मैंने थोड़ी सी पिकैक्स और आर्मर भी अपना करने वाले हैं ओपी। तो और मैं पिछली वीडियो में हमने ये बनाया था, आप देख सकते हो मेरे पीछे, आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। चलो फूड की ट्रेडिंग करते हैं। तो उससे पहले मैं ऐसे थोड़े एमरल ले लेता हूँ जो मैंने पेड माइन करके लिए थे। तो मैंने ऐसे एक स्टैक 9 ले लिया, थोड़े से फ्लैचिंग टेबल्स ले लिए हैं क्योंकि अभी मेरे को और माइन करना है। और मेरे को कुछ सामान दिखा देता हूँ, मैंने कुछ इतनी बुक्स ली थी ऑनलाइन जाके, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने स्टिक ली थी और पिकैक्स ली थी मैंने विलेजर्स से। मेरे को कुछ इस टाइप की पिकैक्स मिली थी और विलेजर्स, फिर मैंने इनको कंबाइंड करके कुछ इस टाइप की पिकैक्स बना ली है और देख सकते हो आप। और यहाँ पे मेरे आर्मर से, तो मैंने आर्मर वाले बंदे से बहुत ट्रेड करी थी और मेरे को फूड चाहिए, तो जल्दी से मैं फूड का जुगाड़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक विलेजर है तो मैं इससे फूड ले लेता हूँ बहुत सारा। फूड लेने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे बस ऑलमोस्ट फूड ले लिया है। आप देखो मेरी चेस्ट भी फुल हो चुकी है, ये देखो आप मेरी चेस्ट भी फुल हो चुकी है, मैंने इतना फूड ले लिया विलेजर्स से। अब चलो अपन नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम मेरे को अब चाहिए आर्मर। तो मैं यहाँ से आर्मर वाले बंदे से डायमंड का आर्मर ले लेता हूँ। मैंने उसकी अनलॉक कर ली थी, तो आप देख सकते हो ये मेरे को आर्मर दे रहा है। तो उस पर प्रोटेक्शन 3 लग रहा है, मैं 2 लूँगा तो प्रोटेक्शन 4 है। लेकिन मेरे भी अभी इतने एमरल्स नहीं है, तो मैं अभी और एमरल्स वाले दूसरे बंदे से ट्रेड करता हूँ। ये देख सकते ये क्या नीचे गलती से लग गया साइन, अब उससे मैं ट्रेड कर लेता हूँ ये वाली। तो यहाँ पे मेरी ये मेरे को दे रहा है अभी तो बूट्स और वो चेस्ट प्लेट दे रहा है, तो मैंने उससे बूट्स ले लिए। लेकिन चेस्ट प्लेट के लिए मेरे पे एमरल नहीं है, तो मैं जल्दी से स्टिक बना के एमरल्स ले लेता हूँ। तो मैंने बना लिया और इससे एमरल्स भी ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसे ट्रेड कर लेता हूँ। एक एमरल्ड कम पड़ गया, तो मैं ऊपर से स्टिक लेके जल्दी से इससे ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैंने इसे स्टिक ले लिया है और मैं ऐसे अब इस विलेजर से भी ट्रेड करके एक एमरल्ड ले लेता हूँ। तो ये मेरे पूरे एमरल्ड्स हो चुके हैं और हम अब इससे ट्रेड कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे एक चेस्ट प्लेट ले लिया है और चेस्ट पर भी बहुत अच्छी एन्जॉयमेंट लग रही है। चलो पहले मैं यहाँ पर आ चुका है इस फार्म पे, थोड़ी सी एक्सपी बढ़ा लेते हैं। हमें को कंबाइंड भी तो करना है ना आर्मर, तो मैंने यहाँ से 30 एक्सपी कर लिया। तो मैंने लेवल्स तो कर लिए हैं, मैं जल्दी से आर्मर उतार के यहाँ पर इनको कंबाइंड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने बूट्स, तो मैंने बूट्स नहीं है मेरे पे, तो मेरे पे वो है, तो मैं यहाँ पे इनको भी कंबाइंड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो मैंने चेस्ट प्लेट भी कंबाइंड कर लिया है, मेरे पे एक हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट वाला ब्लेजर भी मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा। तो चलो कि बस आज के वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जल्दी सब्सक्राइब।